और चीन ने अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा है। ड्रैगन ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में हुई हत्याओं पर अमेरिका सेना को की भूमिका की जांच की मांग की है। अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब चीन और रूस अमेरिका पर हमलावर हो गए हैं। चीन ने अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्रैगन ने मांग की है कि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में हुई हत्या और दूसरे अपराधों में अमेरिकी सेना की भूमिका की जांच हो। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में काबुल बम धमाके के बाद अफगान नागरिकों पर अमेरिकी सेना की फायरिंग की जांच होनी चाहिए। यानी अफगानिस्तान के नाम पर अब चीन अमेरिका को घेरने की कोशिशों में जुट गया है। इतना ही नहीं, चीन के साथ साथ अफगान मामले में अमेरिका को रूस ने भी बड़ा झटका दिया है। रूस ने अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त करने की अमेरिकी मांग को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिका ने इन संपत्तियों को जब्त करने का फैसला लिया था। इस बीच अफगान सेंट्रल बैंक ने अमेरिका और IMA को विदेशों में जमा $10 बिलियन को रिलीज करने की मांग की। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।